शारदीय नवरात्रि की धूम देश भर में है। माता रानी के पूजन आराधना के 3 दिन बीत चुके हैं। 9 दिन के नवरात्रों में आज है चौथा दिन। अब तक देवी माँ के 3 रूप माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा की पूजा की जा चुकी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के चौथे दिन माता दुर्गा के कौन से रूप की पूजा की जाएगी, देवी का स्वरूप कैसा दिखता है और वो कौन सा मंत्र है जिसके उच्चारण से देवी माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज तारीख 6 अक्टूबर है और नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा का विधान है। इन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि कुष्मांडा माँ ने इस सृष्टि की रचना की थी? देवी माँ के तेज से ही 10 दिशाओं में रोशनी फैलती है। लोकल 18 ने बाकी जानकारी के लिए काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय से बात की। उन्होंने बताया कि माता का स्वरूप कैसा दिखता है, किन चीजों को चढ़ाने से माता रानी प्रसन्न होती है और कुष्मांडा माँ का वो कौन सा खास मंत्र है जिससे भक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है। देखिए, चौथे दिन नवरात्र के क्रम में जो पूजन चलती है, तो इसमें चौथे दिन का जो क्रम है वह आपके माँ कुष्मांडा का है। तो माँ कुष्मांडा को जो है गर्भ के रक्षार्थ माना गया है। कुष्मांडा बलि होती है, कुष्मांडा कोहने को कहते हैं। एक तरह से ये गर्भ में जिस प्रकार बच्चे का जन्म होता है तो बेर के समान आकार लेता है, उसी स्वरूप माना जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि माता कुष्मांडा का स्वरूप कैसा दिखता है। इसका वर्णन पुराणों में भी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इसी वजह से इन्हें अष्टभुजा देवी का नाम मिला। माता की 8 भुजाओं में धनुष, कमंडलू, बाण, कमल पुष्प, चक्र, गदा, अमृत कलश और जाप माला है। माता कुष्मांडा शेर की सवारी करती है। माता के हाथों में अष्ट सिद्धि और 9 निधियां हैं और ऐसा माना जाता है कि उनके पूजन से भक्तों को यश, बल और आरोग्य का फल प्राप्त होता है। गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे के ऊपर अगर कोई बाधा उत्पन्न हो तो उसमें माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजन अर्चन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय क्या क्या चीजें अर्पण करनी चाहिए। तो जान लीजिए कि कुष्मांडा माँ को लाल चुनरी, लाल गुड़हल के फूल, रोली, लाल पेड़ा अर्पण करना चाहिए। आराधना के समय माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। इससे देवी माँ जल्द ही खुश होती है और वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ को लाल चुनरी, लाल पुष्प और लाल मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए, जिससे इनकी कृपा बनी रहे। अब हम आपको एक खास मंत्र के बारे में बता देते हैं जिसके उच्चारण से देवी माँ को जल्द ही प्रसन्न किया जा सकता है। दरअसल वो दो मंत्र हैं। इन मंत्रों के उच्चारण से नवरात्रि के चौथे दिन आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। आप इन मंत्र का जाप जरूर करें। ध्यान रखें, पूजन के दौरान सुबह जल्दी उठकर साफ कपड़े पहनें और सच्चे मन से माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। आपको ये भी बता देते हैं कि लोकल 18 ने नवरात्रि स्पेशल सीरीज में नवरात्रों के पहले 3 दिन के बारे में भी बताया है। आप हमारे चैनल पर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए देखते रहें लोकल 18।